खबर कोडरमा से है, जहां झुमरी तलैया के रॉयल सेलिब्रेशन हॉल में जिला स्तरीय पासवान महासम्मेलन में भारी संख्या में पासवान समाज के लोग पहुंचकर सर्वप्रथम जमुआ के विधायक केदार हाजरा ने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का उद्घाटन कर बालिकाओं के द्वारा राष्ट्रगान गीत गाया और अतिथियों का स्वागत माला पहनाकर किया गया। आपको बता दें कि जिला पासवान कल्याण समिति के जिलाध्यक्ष बाला लखेंद्र पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। वहीं सभा का संचालन जिला महासचिव जय प्रकाश राम और जिला प्रवक्ता मनोज कुमार सोनी ने संयुक्त रूप से किया। सभा को विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक जनार्दन पासवान, दलित लेखक व चिंतक एवं एचएल दुसाद, तेनुघाट के कार्यपालक दंडाधिकारी सत्येंद्र नारायण पासवान, रामगढ़ के जिला नियोजन पदाधिकारी देव कुमार पासवान, केदारनाथ पासवान आदि ने मुख्य रूप से संबोधित किया। स्थानीय वक्ताओं में मजदूर नेता संजय पासवान, जिला पंचायत सदस्य शांति प्रिया, नीलम पासवान, इंद्रदेव पासवान, प्रेम प्रकाश पासवान, डॉक्टर वासुदेव पासवान, संतोष पासवान, मान सिंह पासवान, भीमलाल पासवान, अर्जुन पासवान, खचानजी पासवान, राजकुमार पासवान आदि ने संबोधित किया है। आपको बता दें, मुख्य वक्ता देश के लिए जाने माने साहित्यकार, दलित चिंतक व लेखक एच एल दुसाद ने कहा कि मूल निवासी ST SC ST OBC के लोग अगर महसूस करते हैं कि आरक्षण के विस्तार की लड़ाई लड़कर ही बहुजनों को गुलामी से मुक्ति दिलाया जाएगा, गुलामी से मुक्ति के लिए संख्यानुपात में आरक्षण की लड़ाई चप्पे चप्पे में फैलाना होगा, क्योंकि इसी से सामाजिक न्याय मिलेगा और धन दौलत का सामान्य बंटवारा होगा। उन्होंने मार्क्स के वर्ग संघर्ष के इतिहास की व्याख्या करते हुए कहा कि एक मानव जाति का संपूर्ण इतिहास की निर्भुल सच्चाई है, जिसमें कोई देश या समाज न तो अछूता रहा है और न रहेगा। जब तक धरती पर मानव जाति का इतिहास रहेगा, वर्ग संघर्ष किसी न किसी रूप में कायम रहेगा। किंतु भारी अफसोस की बात यह है कि जहाँ भारत के ज्ञानी विशेषाधिकार युक्त समाज के लोगों ने अपने वर्गीय हितों में समाज को बांटने का काम किया है, उच्च नीच का भेदभाव बढ़ाया है और इसे शोषण का हथियार के रूप में इस्तेमाल भी किया है। मैं आया यहाँ पर जो है थोड़ा सा अपनी बात कहने का मौका मिला, मैंने उसको बहुत क्लियर तौर पर कहा, यदि समाज इस बात को ध्यान में नहीं रखेगा, अब मुझे लग रहा है कि मैं 3-4 सालों से चेतावनी दे रहा हूँ, लोग इसको केयर नहीं कर रहे। आप उस स्टेज में पहुंच चुके हैं जिस स्टेज में इंडियन लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, मंडेला के लोगों को गोरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 7 अगस्त 1990 के बाद से इस देश का पोलिटिकल सिनेरियो जो है बिल्कुल एडवर्स हो चुका है बहुजनों के खिलाफ, और इस देश की जो सुविधा भोगी वर्ग है आपको बिल्कुल गुलामों की स्थिति पहुँचाने के लिए कटिबद्ध है और ऑलमोस्ट पहुँचा दिया है। जितने भी सोर्सेज ऑफ पावर है उनका 80-90% उनका कब्जा हो चुका है। हाल की रिपोर्ट देखिए, आपका विश्व असमानता रिपोर्ट बतलाती है कि जो है बीरो जो 50-60% आबादी है वो सिर्फ 6% वेल्थ पर निर्भर रहने के लिए बाध्य है। आपका देश जो है एजुकेशन के मामले में दुनिया का टॉप जो थे सबसे बारह जो ये है सबसे पिछड़े ही है उसमें दूसरे नंबर पर। आज की तारीख में जो सबसे बड़ी समस्या है इस देश के लोगों का ध्यान नहीं जा रहा, वो है अब महिलाओं की। 2021 में ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि भारत की आधी आबादी को पुरुषों के बराबर आर्थिक समानता पाने के लिए 257 साल लग जाए। बताइए इससे बड़ी कोई समस्या हो सकती है? आधी आबादी मतलब 65 करोड़ आबादी, 65 करोड़ में यूरोप के 3 दर्जन देश आ जाएंगे, अमेरिका जैसे 2 देश आ जाएंगे, लैटिन अमेरिका समाज है, इतनी बड़ी आबादी की स्थिति है तो बहुत ही शोचनीय स्थिति है। अब वंचित वर्ग के लोग यदि आज़ादी की जो लड़ाई जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई उस मेंटलिटी के साथ अपने आगे की लड़ाई रणनीति तय नहीं करेंगे तो फिर ये तुरंत बर्बादी हो चुका है और भी बर्बाद, कोई रास्ता नहीं। पॉलिटिकल पार्टियों के प्रति यदि आपके मन में कहीं से कुछ भरोसा है, लगाव, आप बहुत बड़े धोखे में अपने आप को रखें। इस देश की जो बहुजनवादी पार्टियां, स्थापित बहुजन पार्टियां, ये पूरी तरीके से जो है आपको समाज से कट चुकी है। उनका प्राइम टारगेट जो है अपना निजी एम्पायर बचाना है, खुद का साम्राज्य बचाना है। आज मोदी अगर इतना पावरफुली तरीके से सत्ता में है तो उसका बड़ा कारण है कि आपकी जो बहुजनवादी पार्टियां हैं इन्होंने इनको वापस, कोई भी जो लड़ना ही नहीं चाहता। मैं पिछले 6 सालों से कह रहा हूँ कि मोदी को हराने जैसा आसान पॉलिटिकल टास्क दुनिया में कोई नहीं है, और ऐसा व्यक्ति जो इस देश में पावरफुल सत्ता पर काबिज है और काबिज होने के पीछे बड़ा कारण है आपके बहुजन नेता है, इन पर बिल्कुल यह भरोसा नहीं करना।
वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।